को साफ सुथरा रखने और पर्यावरण की रक्षा के लिए गार्बेज फ्री इंडिया नामक एक संगठन ने सराहनीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत 2 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले 1 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति चिप्स या बिस्किट का पैकेट, बाजार में उपयोग होने वाला काला अथवा सफेद व सूखा प्लास्टिक लाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। रविवार को अलीपुर सार्वजनिक की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के शहरी विकास व पालिका मामले के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिराद हकीम के हाथों इस अभियान का शुभारंभ किया गया। फिलहाल यह अभियान अलीपुर इलाके में चलेगा, भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। प्रोजेक्ट समय उपयोगी एवं खूब भलो कोलकाता पक्षे हमरा सबाई चाचाई एनवायरनमेंट बचाओ एनवायरनमेंट बचाओ किंतु हमरा आज जतत्रत्र प्लास्टिक एवं मैला फेले दिए जाच्छे हमरा जतत्रत्र हमारे शहरटाके नोंरा करे जाच्छे কেউ ভাবছি না যে আমাদের শহরটা আজকে সার নিঃসার বন্ধ হয়ে এসছে, আমাদের শহরটা প্রায় নিঃসার বন্ধ হয়ে এসছে, যেখানে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি, যেখানে সেখানে উনুন জ্বালাচ্ছি সেই ধোঁয়াগুলো বাইরে যেতে পারছে না, একটা দন্তন্ত পরিবেশ হয়ে গেছে। पानी वाला भी नहीं लेता है, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं और इसको रिसाइकल करते हैं। ये सारा प्लास्टिक सीमेंट फैक्ट्रीज रोड बनाने के काम लगता है और ये कचरे में नहीं जाता है।